कर्नाटक में कुमार स्वामी की सरकार गिर गई है, जिसके कारण यहां की राजनीति में काफी गहमा गहमी शुरू हो गई है। पहली सरकार का कार्यकाल पूरा होने से पहले बीजेपी की नई सरकार बनाई गई है। इसको देखते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि कर्नाटक में बीजेपी ने संवैधानिक मर्यादा को ताक पर रख के जीत हासिल की है। साथ ही यह भी कहा कि सत्ता व बल का इस्तेमाल कर विपक्षी की सरकार को गिराने का काम किया है, इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। इसे लोकतंत्र के इतिहास में काले अध्याय में लिखा जाएगा। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने बीएसपी का विधायकों को कुमार स्वामी की सरकार के समर्थन में वोट देने हेतु निर्देश भी दिए हैं। बसपा सुप्रीमो ने ट्वीट करके कहा कि कुमार स्वामी के समर्थन में वोट देने के पार्टी के हाईकमान के निर्देश का उल्लंघन करके एन महेश विश्वास मत में अनुपस्थित रहे, जो अनुशासनहीनता है जिसे पार्टी ने अति गंभीरता से लिया है और महेश को तत्काल पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।